चलो बच्चों पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स चल रहा था ना। तो चलिए रे ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे की बात करेंगे, और वो भी बिना घबराए। टेंशन नहीं लेने का। चलो पढ़ते हैं बेटा। तो देखिए ऑप्टिक्स में बेटा, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने आपको इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया था मैंने आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय देखिए हम लोग पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस, जिसमें सारी चीज़ें हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर का जो कहानी पढ़ा था ना बेटा, वैसा ही पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेने का। देखिए ऑब्वियसली बात है, इसमें दो केसेस हैं। पहला केस, है बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड या लाइज बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी बीच में कहीं भी रखा हो, कहीं भी, जैसे ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस में बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर है, और कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इसमें ये चक्कर नहीं है कि ए फॉर टू एफ या एफ या ओ। और यहाँ पर मजे की बात है बेटा, हम लोग वहाँ पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी बनता है, यहाँ नहीं होगा। या कॉन्केव लेंस पर अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर बीच में, इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर बीच में कहीं भी हो, फोकस पर हो, टू एफ पर हो, एफ और टू एफ के बीच में हो, फोकस ऑप्टिकल सेंटर बीच में हो, कहीं भी हो, मैंने यहाँ रखा, इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए पहले तो इसके मुंडी से लाइट ऐसे निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो चलेगा बाहर की तरफ मुड़ेगा, ऐसा लगेगा फोकस से आता हुआ है, फोकस पर कटेगा पीछे बढ़ाने पर, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। तो ये जो लाइट रे लेंस से पास करा वो क्या मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, तो पीछे बढ़ा कर काटेंगे। तो ये पीछे बढ़ा करके कहीं यहाँ और ये यहाँ पर कट रहा है, तो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। मजे की बात है यहाँ पर बेटा कि कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, बनेगा। कोई बोलेगा अगर फोकस पर रख दे सर, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट फोकस पर रखोगे तो इमेज हमेशा फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, बीच में कहीं यहाँ 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 कहीं यहीं बनेगा। तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बिटवीन फोकस एंड ओ इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही की साइड, एफ और ओ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, रियल या वर्चुअल? तो हम बोलेंगे वर्चुअल बनेगा, और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा होगा, साइज में छोटा या बड़ा? तो बोलेंगे डिमिनिश्ड साइज का होगा। समझे बच्चों? बहुत ही सिंपल है, कृपया लिख लीजिए, आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कहानी है। लिख लो बेटा, लिखो जल्दी। हो गया, मिटा दूं बच्चों? घबराना नहीं, बस याद रखो यार, घबराना नहीं, बस सिंपल कहानी है, आसान है, ठीक है ना? चलो मिटाते हैं।
देखो भाई यहां पर बेटा मान लो बेटा यहां पर बहुत प्यार से डरना नहीं, मान लो ऐसा बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो नहीं इन्फिनिटी पर, फोकस पर तो सिंपल सी बात थी, पता था कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर बीच में बन जाएगा। अगर लाइट इन्फिनिटी से आ रही, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो पढ़ना हम लोग को, ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी से आने वाली लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी। मान लीजिए बेटा एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर के मतलब ऑप्टिकल सेंटर पास हो रहा है और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से आती है बेटा, इन्फिनिटी से आती है ना, इन्फिनिटी से आती है और ये बाहर की तरफ मुड़ जाएगी, इन रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पे कटेगा, ठीक है, ये फोकस पर मिलेगा, फोकस पर कटेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, एट द फोकस, एट द फोकस, सिंपल कहानी है। और इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट और साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, सिंपल कहानी, आसान है, ठीक है बेटा, लिख लो इसे, सिंपल सिंपल आसान कहानी, जल्दी जल्दी लिखना, ये तो बहुत आसान है, 20 सेकंड रुकूंगा, ठीक है बेटा, हाथ जल्दी जल्दी चलाना, डरना नहीं भाई, डरना नहीं, यहीं पर हूं। चलो मिटाते बच्चों, मिटा दूं, चलो बेटा मिलकर मिटाएं, चलो बेटा मिलकर मिटाएं। तो कॉनकेव लेंस में केवल दो ही केस होता बेटा। अब यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं बेटा, अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोग को यूवी ग्राफ खींचना हो, यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, मान लीजिए बेटा यूवी ग्राफ हमें खींचना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो देखिए बहुत सिंपल है बेटा, करना क्या है ध्यान दीजिएगा और घबराना नहीं है, ये यू है और ये वी है, ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये लेंस है, क्या आपने कॉन्वेक्स लेंस वाली कहानी पढ़ी है, मैंने पढ़ाया था ना सारा कुछ, हाँ पिछले क्लास में सब करा दिया था कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ है तो इमेज कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा अगर ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में है, बताओ इमेज कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगा कहीं पर, तो इमेज उसी साइड बनेगा, है ना, वर्चुअल बनेगा। तो आप सोच के देखो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, माइनस, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, माइनस, यानी ऑब्जेक्ट देखिए यू है, क्या इधर माइनस यू होगा, यस सर इधर माइनस यू होगा ना, सोचिए देखो अगर ऑब्जेक्ट ये देखिए बेटा माइनस एफ है, फोकस है यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर मतलब ओरिजिन समझेंगे ना, तो यहाँ और यहाँ पर होगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इधर बनेगा, वी प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, V माइनस में आएगा, माइनस वी है ना बेटा, माइनस वी, देखिए U माइनस में तो V भी माइनस में, तो U माइनस में तो V भी माइनस में, अगर इधर पे फोकस पे पहुंचेगा तो इमेज इधर ही की साइड इन्फिनिटी पे जाएगा, इधर ही की साइड इन्फिनिटी पे जाएगा, मतलब ये लाइन ऐसे खींचेंगे और ऐसे बनाएंगे, देखिए अगर ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ पहुंचेगा इधर से तो इमेज इन्फिनिटी पर माइनस में, V माइनस में इन्फिनिटी पर, और बिल्कुल लेंस से टच कर जाना, मतलब यहां पर आने का मतलब बिल्कुल लेंस से टच कर जाना, तो इमेज भी वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कहानी समझ में आई, उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि बेटा एफ और टू एफ के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगा, तो बोलते थे एफ और टू एफ के बीच में होगा तो इमेज इधर की साइड बनेगा और टू एफ के बाद बनेगा, याद आ रहा है, टू एफ के बाद बनेगा, यानी अब यू माइनस में और वी प्लस में आएगा, क्योंकि रियल इमेज के लिए वी प्लस में होता बेटा, रियल इमेज लेंस के उधर बनता, अब प्लस में आएगा, इधर की साइड चलेगा। अब देखिए बिल्कुल आराम से देखना, ये
तो अब कहानी ऐसे चलेगी, अब देखिए एफ पर आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पर, और यहाँ से ऐसे करके, और देखिए बिल्कुल प्यार से समझना, और ये एफ है ठीक है बेटा, ये ऐसे करके ग्राफ ऐसे चलेगा, ध्यान दे रहे हो बच्चों, ऐसे करके ऐसे चलेगा। और जब ये आप 2F पर है, जब आप 2F पर है तो इमेज भी 2F पर बनेगा और लेंस के उधर बनेगा, ये लेंस के सामने है माइनस में तो इमेज डिस्टेंस प्लस में, जब आप फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर, जब आप यहाँ पर 2F पर है तो इमेज 2F पर, दूसरी के साइड, उधर की साइड, पीछे की साइड, लेंस की दूसरी तरफ, इस तरह से देखिए बनेगा। और यहाँ पर बेटा हो सकता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट तो रियल थे ना, जबकि लेंस के सामने थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकते थे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट में कैसा ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हम देखते हैं कि लेंस अगर नहीं होता तो कहीं यहाँ पर गिरता ऐसे करके, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो फिर इमेज बनेगा उसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसी में बनाते हैं बेटा, इसी में ऐसे करके ये ऐसे, यही ग्राफ इसके पैरेलल चलते हुए ऐसे जाता है, यही ग्राफ इसके ऐसे करके खींचते हुए इसके पैरेलल चलाते हैं। देखिए यू प्लस में है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा इतने जीरो और एफ के बीच में बनता रहेगा, जीरो और एफ के बीच में बनता रहेगा, देखिए ये ऐसे करके ऐसे। तो चलिए बना लीजिए और इस ग्राफ को याद कर जाइए, घबराइए नहीं, लिखिए जल्दी लिखिए। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस का यूवी ग्राफ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बेटा, बिल्कुल नहीं डरना, यू प्लस में है तो यानी हम यू प्लस में, मतलब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कहानी है और ये सब कुछ रियल ऑब्जेक्ट के केस में खींचा गया है। जल्दी प्यारे बच्चों, डरना नहीं, घबराना नहीं, इट्स मी ओनली, इट्स मी ओनली। कोई डरेगा नहीं, मिरर में कराया मैंने ये, इस तरह का ग्राफ मिरर में भी कराया था। चलो मिटाते बेटा, मिटा दूं, ओनली 30 सेकेंड रुकूंगा, बस 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, बस 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। चलो बेटा मिलकर मिटाए, देखो भाई अब पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस देखो बेटा, आराम से सुनो, ये U और ये V, ये माइनस U, ये माइनस V, दिल पे नहीं लेंगे। कॉनकेव लेंस में मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी बीच में कहीं भी रखते हो, इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी U माइनस में तो V भी माइनस में, ओके, U माइनस में, V माइनस में, V हमेशा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगा, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल, हमें इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस में बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो तो ठीक है भाई, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, ऐसे चलेगा कहानी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो गया तो इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट कहीं भी, ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी बीच में कहीं भी हो, हमेशा इतने के बीच में बनेगा, इन्फिनिटी पहुंच गए इमेज इन्फिनिटी फोकस पर बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी मतलब पैरेलल हो गया बेटा, इसका ये दोनों लाइन पैरेलल मतलब डॉटेड लाइन पैरेलल मतलब इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा, तो इमेज फोकस पर बन जाएगा, क्लियर है, एनी घबराना वबराना, कोई टेंशन वेंशन। फिर आइए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर लें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा बेटा, लाइट कैसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी ना, इमेज कहाँ बनेगा, एक काम करते हैं लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, टेंशन मत लेना, 1/V - 1/U = 1/F, साइन कन्वेंशन में U तो प्लस जाएगा, फोकल लेंथ माइनस जाएगा, बताया था ना कि कभी भी लेंस फॉर्मूला यूज करें साइन कन्वेंशन जरूर पुट करें, मुझे 1/U निकालना है तो U उठा के उधर जाएगा, माइनस से उधर जाएगा प्लस, सॉरी U तो मालूम है, V निकालना है बेटा, सॉरी V निकालना है, इमेज डिस्टेंस देखना है ना, इमेज कहाँ बनेगा,
अब ये उठा के उधर ले जाएंगे, ये माइनस से तो उधर जाएगा प्लस, तो माइनस वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एफ और प्लस वन अपॉन यू, सही लिख रहा हूँ बेटा? क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में होगा? यस, प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा प्लस, क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर u की वैल्यू f के बराबर हो, f और f तो कट करके क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा तो जीरो, वन बाई वी जीरो, यानी v की वैल्यू इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर u की वैल्यू f के बराबर हो, सोचो बेटा f के बराबर ये, तो v की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। बड़े आराम से v की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। देखो ये लाइन ऐसे खींच रहे हैं, अटेंशन मत देना, बिल्कुल आराम से चलना, बिल्कुल आराम से चलना, बना रहा हूँ बस आराम से। अब एक काम करते हैं, थोड़ा u की वैल्यू को कम रखते हैं, जैसे u की वैल्यू f है, f बाई टू रखूँ? चलो f बाई टू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इधर लिखता हूँ, u की वैल्यू सपोज दैट f बाई टू है, तो कितना आएगा जरा v की वैल्यू निकालो, 1 बाई वी इक्वल टू माइनस वन बाई एफ प्लस एफ, यू की वैल्यू f बाई टू, टू माइनस वन वन बाई एफ, यानी v की वैल्यू f आएगा प्लस में, यानी इधर 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 जा रहा है ना बेटा, टेंशन नहीं लेना। इसका मतलब यही लाइन ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है, इसके पैरेलल। देखो u की वैल्यू f तो v की वैल्यू इन्फिनिटी, u की वैल्यू f बाई टू तो v की वैल्यू f आ जाएगा, ऐसे करके, है ना? अच्छा, ये समझ में आया। अगर u की वैल्यू f से बड़ा हो जाए, f से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो v की वैल्यू माइनस आ जाएगा, v की वैल्यू माइनस आ जाए। जैसे f की वैल्यू मैं 2f रख के देखूँ, चलो u की वैल्यू मैं 2f रखता हूँ, चलो 2f रखता हूँ, बताओ क्या आएगा? अगर मैं 2f रखूँ तो कितना आएगा? यहाँ लिखेंगे 2f, यहाँ आ जाएगा 1, घबराना नहीं, f से ज़्यादा रख रहा हूँ, अब इधर देख रहा हूँ इधर क्या आएगा, तो 2f 1 बाई 2f। अब देखो बेटा LCM लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ आएगा 2, घबराना नहीं, परेशान मत होना, आएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2f, यानी v की वैल्यू माइनस 2f आएगा, यानी माइनस 2f मतलब इधर आएगा, इधर की साइड, क्योंकि माइनस v में माइनस 2f इधर पड़ेगा। इसका मतलब बेटा ग्राफ इधर की साइड से चलेगा, और इन्फिनिटी रख के देखो तो u बराबर इन्फिनिटी रखो तो 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, यानी v की वैल्यू माइनस एफ हो जाएगा, यानी u अगर इन्फिनिटी है तो v की वैल्यू माइनस एफ की तरफ अप्रोच करेगा, ये माइनस एफ यहाँ है बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना, आसानी से समझना। तो इसका मतलब ये होगा कि u की वैल्यू, एक मिनट जरा फिर से, जरा एक मिनट जरा बताओ तो बेटा, u की वैल्यू मैंने लिखा इन्फिनिटी, कितना आया? u की वैल्यू इन्फिनिटी लिखा तो कितना आएगा? 1 अपॉन v बराबर माइनस एफ, चूँकि 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया, ख़त्म हो गया, तो v की वैल्यू हो गया माइनस एफ, ठीक है। फिर ये u बराबर इन्फिनिटी पे आया, u टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है दरअसल, फिर अब u टेंड्स टू, u बराबर 2f कर लो इधर वाला, ठीक है 2f कर लो, देखो तो बेटा क्या आएगा वैल्यू। तो अगर मैं इसमें रखूँ 2f तो 1 बाई v बराबर हो गया माइनस एफ और ये 1 बाई 2f, यही ना आएगा? तो बेटा 2f का LCM हो गया 2 माइनस 1 माइनस, v की वैल्यू माइनस 2f, यानी यहाँ माइनस 2f मतलब यहाँ, तो वैल्यू कैसा जाएगा बेटा, कैसे जाएगा बिल्कुल जरा बताओ। u की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये ऐसे जा रहा है ना, इसका मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी बेटा, बहुत आराम से ऐसे करके ऐसे ऐसे, देखो u की वैल्यू f रखने पर इन्फिनिटी आ रही थी, देखो f रखने पर ख़त्म, v की वैल्यू इन्फिनिटी, यस ये लाइन ऐसे जाएगी, यो ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे बनाइए, चलिए बनाइए, आसान है, याद रखना पड़ेगा बेटा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, ये दोनों वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। u प्लस का मतलब क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और u माइनस मतलब रियल ऑब्जेक्ट। बनाओ, चलो डरना नहीं, डरना नहीं भाई, डरना नहीं भाई, परेशान मत होना, लिख लो और याद कर जाओ। u प्लस देखते ही बोलना अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, u माइनस देखते ही बोलना रियल ऑब्जेक्ट है, टेंशन नहीं लेना बेटा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो मिटाता हूँ, कॉनकेव लेंस का भी ग्राफ बना दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बस कैलकुलेशन मैं कर रहा था आपको एक बार दिखाने के लिए कि हाँ सर ऐसे ऐसे भी होता है, बाकी ये ग्राफ ऐसा होता है, ये याद कर जाओ, ठीक है टेंशन मत लो। चलो मिटा दूँ, चलो आगे बढ़े।
अब पढ़ेंगे बेटा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है बच्चों, देखना ध्यान से, मैं बता रहा हूं। देखो बेटा ये जो मेथड है, सबसे पहली बात तो इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए करते हैं। वेरी सिंपल, इट इज यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, नॉट कॉन्केव लेंस। हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। तो पहली बात तो इट इज यूज टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। चलो ये लाइन समझ में आ गई, ठीक है। इट इज यूज टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा अब यहां पर कहानी क्या है बेटा, जरा ध्यान से सुनना। कहानी ये बेटा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर क्या होता है, ये सुनना ध्यान से। इसमें क्या होता है, सामने पहले यहां स्क्रीन होता है, दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज अ स्क्रीन, ठीक है। चलो और यहां पर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन बेटा फिक्स्ड होते हैं अपने पोजीशन पर। स्क्रीन जहां है वो फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट जहां है वो फिक्स्ड है। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हम पहले से मेजर करके रख लेते हैं। मान लीजिए ये कैपिटल डी है, हमने कैपिटल डी से दिखाया। व्हाट इज कैपिटल डी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ठीक है बेटा, घबराना नहीं। अब जिस लेंस का फोकल लेंथ हमें बताना है, नहीं कॉन्वेक्स लेंस, जिस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बताना बेटा, उसको हम लोग यहां पर बीच में रखते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस स्लाइड हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, इसलिए नाम पड़ा है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। यानी लेंस बेटा डिस्प्लेस होगा यहां 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 कहीं भी, ठीक है। ऐसा हम लोग एपरेटस देते हैं कि लेंस एक मूविंग स्टैंड पर रख देते हैं और लेंस इधर उधर घुमा सकते हैं, टहला सकते हैं, इधर उधर डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसे नाम पड़ा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब मान लीजिए लेंस पहले यहां पर, लेंस यहां से खिसकाते 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 खिसकाते, मेरे हाथों को समझिएगा लेंस बेटा थोड़ी देर के लिए ना, तो यहां से लेंस खिसकाते 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 मान लो यहां आएगा। जैसे यहां पर आए तो देखिए दिस इज अ लेंस, मान लो जैसे हम यहां पर आए तो हमें स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दिया। देखो बेटा एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, स्क्रीन पर जब भी इमेज बनेगा तो वो रियल इमेज होगा। अगर स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं बन रहा है तो इसका ना रियल इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन पर अगर शार्प इमेज बन गया तो समझ जाना वहां रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में लेंस को ऐसे करके खिसकाया, तो यहां पर जब मैं आया तो इस ऑब्जेक्ट का मुझे इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, ये तो क्लियर है, तो उल्टा इन्वर्टेड इमेज यहां पर बनेगा। जैसे ही बना इमेज तो हम लोग, अरे यार इस लेंस से इमेज बन गया, वेरी गुड, यहां पर ये इमेज बना, ओके, ऐसे बड़ा सा इमेज बनेगा। तो हमने कहा ये बेटा यहां मीटर स्केल लगा के रखते हैं, मीटर स्केल बगल में लगा रहता है, ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं इसको, एक्चुअल में क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल बेंच, स्क्रीन सॉरी मीटर स्केल लगा होता है बेटा, क्या लगा होता है, मीटर स्केल। उस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं, सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज एक्स, ये डिस्टेंस क्या बेटा एक्स, ठीक है, ये मेजर कर लिया हमने। तो सोच के देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ एक्स, और इमेज यहां बन रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस d माइनस एक्स होगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, d माइनस एक्स नहीं होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम, इमेज यहां बन रहा है तो लेंस से इमेज का डिस्टेंस मालूम, तो हम लोग लेंस का फोकल लेंथ बहुत इजी से निकाल लेंगे, इजी तरीके से, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ बेटा इमेज डिस्टेंस प्लस की माइनस, तो हम बोलेंगे सर ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओके, और ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे निकलेगी और लेंस पर गिरेगी। अब इमेज डिस्टेंस पहले देख रहा हूँ, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज इधर की तरफ चलेंगे तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में तो चल रहे हैं, देखो इंसिडेंट लाइट का एरो किधर है, इधर की साइड, और इमेज इधर है
तो इधर ही चल रहे हैं, प्लस में आएगा। तो हम बोले सर इमेज डिस्टेंस प्लस में लिखो, डी माइनस एक्स। चलो भाई यहाँ माइनस लिखेंगे ना यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे बेटा? तो बोलेंगे इंसिडेंट लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से उल्टा चलेंगे माइनस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे बेटा माइनस एक्स, माइनस एक्स, और ये वन बाई एफ। एफ निकालना है मुझे, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे यहाँ एक्स इंटू डी माइनस एक्स। एक्स इधर आएगा, एक्स प्लस डी माइनस एक्स बराबर वन बाई एफ, एक्स से एक्स कैंसिल। तो फोकल लेंथ हमारा आ गया, उल्टा कर लेंगे ना, एफ ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर ये नीचे, तो ये आ गया एक्स इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी, वी हैव द फोकल लेंथ। और इस तरह से हम इस लेंस का फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो क्या लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? यस। और कितना सिंपल निकाल लिया, निकाल लिया नहीं निकाल लिया। कॉन्केव लेंस अगर आप लगाते हैं तो आपको कभी भी स्क्रीन पर इमेज बनता ही नहीं, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, पता ही नहीं पड़ता कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज़ करते हैं, और देखिए कितने आसानी से हमने निकाला है ना। लेकिन आप बोलेंगे सर इतना ही है क्या? नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट्स है बेटा, जिससे हमें फैक्ट्स पता चलते हैं। पहले इसको लिखिए, फिर आपको वो पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है। पहले लिखिए इसे, और जल्दी से, टाइम नहीं लगाना है, जल्दी लिखना है, टाइम नहीं लगाना ज़्यादा। जल्दी चलो भाई जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी लिखना। मिटा दूं? लिख लिया बेटा? चलो मिलकर मिटाते हैं, चलो मिलकर मिटाते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बेटा, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो मिटा दूं? चलो देखो यहां पर बेटा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो जरूरी बात है वो सुनिए। यहां पर क्या होता बेटा, अगर आप फोकल लेंथ का ये देख पा रहे हैं x इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी है, अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखो कैसे, डी एफ ये उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी एफ, और ये ब्रैकेट खोल दो, एक्स डी और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाओ, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी एफ बराबर जीरो। क्या ये एक्स का क्वाड्रेटिक बन गया? और एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बात को साबित करता है कि एक्स की दो वैल्यू होगी। यानी बेटा लेंस आपने यहाँ पर एडजस्ट किया, जब आप खिसकाते खिसकाते डिस्प्लेस करते हुए लेंस को जब यहाँ लाए तो आपको रियल इमेज स्क्रीन पर दिखाई दिया। अब आप जैसी लेंस को हल्का सा यहाँ से यहाँ लाएंगे तो इमेज डिसअपीयर होगा, इमेज नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर से खत्म। अब खिसकाते चले खिसकाते चले खिसकाते चले खिसकाते चले खिसकाते फिर एक जगह ऐसा मिलेगा, मान लीजिए यहाँ, जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको तुरंत से एक इमेज छोटा सा बनेगा। यानी लेंस का ऐसा दो पोजीशन मिलता बेटा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में लेंस को जब आप डिस्प्लेस करते बेटा तो लेंस की ऐसी दो पोजीशन होती है, ऐसी दो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन, जहां पर आपको स्क्रीन पर दो बार रियल इमेज बनती है, दो बार दिखाई देती है स्क्रीन पर इमेज।
यही इस बात को शो कर रहा बेटा, एक्स का क्वाड्रेटिक मतलब एक्स की दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर चलो एक वैल्यू एक्स है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां तक का दूसरा वैल्यू क्या होगा? सर ये चलो चलो ये एक्स है तो चलो अब लेंस यहां आ गया, अब यहां नहीं है, अब लेंस यहां है, अब बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा। तो बोलेंगे देखो ऐसा होता है ना, इस क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करते बेटा वो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है उसकी, ये फैक्ट्स है, चूंकि करेंगे तो फैक्ट्स पे ही आएंगे। तो इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्स की दो वैल्यू लिखेंगे, वो एक्स की दो वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। तो उतना जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कहानी चलना है। ये एक्स है और ये डी माइनस एक्स है। जब लेंस खिसकाते खिसकाते यहां है, यानी ऑब्जेक्ट से दूर और स्क्रीन के पास, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? तो बेटा दरअसल ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है? एक्स। इमेज डिस्टेंस कौन है? डी माइनस एक्स। मैं बोला इंटरचेंज हो गया, ये छोटा डिस्टेंस है तो अब यहां छोटा डिस्टेंस, यानी ये एक्स है तो ये एक्स हो गया, और ये बड़ा डिस्टेंस है तो अब ये बड़ा हो गया तो ये डी माइनस एक्स होगा। ये एक्स की क्वाड्रेटिक का, जब एक्स की दो वैल्यू निकालते हैं श्रीधराचार्य रूल से बेटा, तो यही फैक्ट आता है, यानी इंटरचेंज हो जाता है। पोजीशन क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन क्या होती है बेटा? चेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट था और इमेज था, वो इमेज डिस्टेंस अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था वो इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। यानी ये डिस्टेंस बन जाएगा एक्स, और ये डिस्टेंस डी माइनस एक्स हो जाएगा। ये याद रखना हमें, ये हम प्रूफ करेंगे तो जरूरत क्या है, फाइनली तो यही पहुंचना है ना। इंटरचेंज, जो बड़ा डिस्टेंस है वो इधर आ जाएगा, जो एक्स है वो इधर आ जाएगा, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। है ना, वेरी सिंपल? नहीं आया समझ में? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इंटरचेंजेज, ये बात साबित करता है। क्लियर? पहले ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजिशन, जैसे मैं बोलूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ठीक है बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, बताओ पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डी माइनस एक्स। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? डी माइनस एक्स, तो इमेज पोजीशन एक्स। इंटरचेंज ये हमें याद रखना होगा, ये टेबल याद कर लो, एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डी माइनस एक्स। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी माइनस एक्स, तो इमेज डिस्टेंस एक्स हो गया, खत्म बात। नहीं आया? सिंपल कहानी, ये पहुंचो, ये पहुंचो, और ये डायग्राम में ये भी बनाओ, ठीक है, या तो दोबारा बनाओ या उस डायग्राम में ही बना लो इसको, एक ही डायग्राम बना लो, टेंशन मत लो। बस दिल पे मत लेना बेटा, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, बहुत आसान, वेरी इजी पढ़ा रहा हूं, वेरी इजी। अच्छा भाई चलो ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट ध्यान से, अगर आप इसका श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं बेटा तो क्या होता है श्रीधराचार्य रूल? x बराबर माइनस बी, बी मतलब x का कोफिशिएंट, माइनस डी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आ रहा ना, माइनस बी, बी मतलब x का कोफिशिएंट जो कि माइनस डी है, तो माइनस माइनस प्लस, डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर माइनस फोर, ए का मतलब वन है और सी का मतलब एफ डी है, अपॉन टू, टू ए होता है, ए की वैल्यू वन है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है। अब यहां पर बेटा अगर आप ध्यान से देखिए, डी प्लस माइनस, इसमें डी कॉमन ले लीजिए, तो डी माइनस फोर एफ अपॉन टू, बोलो बेटा समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक ठीक है ना, श्रीधराचार्य रूल से एक्स की वैल्यू रखा, बहुत पहले पढ़ा था। अगर आप ध्यान दो तो डी क्या है बेटा? स्क्रीन और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और एफ क्या है बेटा? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। रूट के अंदर जो डी माइनस फोर एफ है वो माइनस में नहीं आना चाहिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले यहां तक पहुंचो, तो पहले मिटाऊंगा, पहले पहुंचो यहां तक, जल्दी पहुंचो, घबराओ नहीं, पहुंचो, 30 सेकंड का टाइम दिया भाई, 30 सेकंड का टाइम, यू हैव 30 सेकंड टाइम, जल्दी लिखो। You have 30 second time.
आपके पास 30 सेकंड का वक्त है। आते जाते हंसते गाते, ये मिटा दूं डायग्राम। अगर बेटा इफ डी इज ग्रेटर देन 4f तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, मतलब रूट का अपना कोई वैल्यू आएगा, x की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी। तो डी ग्रेटर देन 4f तो हमें स्क्रीन पर दो बार इमेज बनेगा, ठीक है, टू रियल इमेजेज फाउंड। ठीक है, अगर d की वैल्यू 4f हो जाएगा तो d और 4f बराबर होगा, कट के जीरो, जीरो का रूट खत्म, x बराबर d बाई टू, केवल x की एक ही वैल्यू मिलेगी d बाई टू, यानी ओनली वन इमेज फॉर्म्स या फाउंड, यानी एक ही बार इमेज बनेगा, मतलब एक ही इमेज बनेगा बेटा, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में आप लेंस को खिसकाते रहो, आपको एक ही इमेज बनता रहेगा, और वो भी बीच में आएगा तब, x बराबर d बाई टू आएगा, अगर आप ठीक से देख रहे हो तो d और 4a बराबर जो जीरो, जीरो रूट जीरो जीरो खत्म हो गया, d बाई टू बचेगा बस, यानी आप लेंस बीच में लाओगे तब आपको स्क्रीन पर इमेज बनेगा। तो कब होगा बेटा, जब डिस्टेंस स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ का 4 टाइम की इक्वल होगा, लेंस का जो फोकल लेंथ उसके 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वल आएगा तो आपको एक ही इमेज बनेगा। अगर बड़ा आ गया, डी की वैल्यू 4f से बड़ा है तो आपको 2 बार इमेज बनेगा, और कहीं बेटा डी लेस देन 4f है तो नो इमेजेज फॉर्म्स ऑन द स्क्रीन, नो रियल इमेजेज फाउंड, कोई भी आपको इमेज नहीं बनेगा स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जो इमेज बनता बेटा वो रियल बनता, तो वो रियल इमेज बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं, खत्म। तो बताओ बेटा स्क्रीन पर 2 बार इमेज कब बनेगा, कौन से कंडीशन में बनेगा, तो बोलते हैं जब स्क्रीन और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4f से बड़ा हो, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस के 4 टाइम से भी बड़ा हो, तो आपको 2 बार इमेज बनेगा। और कब एक बार बनेगा, जब डी एग्जैक्टली इक्वल होगा 4f के, तो आपको एक इमेज बनेगा। और अगर कहीं डी स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 4f से कम हो गया तो आप लेंस को खिसकाते रहो, इमेज कभी नहीं बनेगा स्क्रीन पर। ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है कहानी। लिखो, डोंट घबराना, लिखो प्यार से, लिखो, डरो नहीं, इट्स मी, बहुत सिंपल चल रहा बेटा। हो गया, चलो भाई मिटाते हैं। देखो थर्ड पॉइंट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है। जब आप लेंस यहां रखते हो, ये डिस्टेंस एक्स, ये डी माइनस एक्स, ठीक है, आराम से सुनना। आपको इमेज का हाइट मिलता है h1, लेट अस सपोज ये h हाइट का ऑब्जेक्ट है, h1 का मिलता है। अब लेंस को खिसकाते जब यहां आते हो, बताओ लेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो इमेज मिलता है वो h2 हाइट का बनता है, बोलेगा h1 h2 और h में रिलेशन। तो देखिए जब h1 हाइट का बनना है तो मैग्निफिकेशन m बराबर, फॉर्मूला लगाइए, लेटरल मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v बाई u, पढ़ाया था बेटा, पहले h1 है, नीचे की तरफ बनना है माइनस में, बताया था ये फॉर्मूला जब भी इस्तेमाल करो साइन कन्वेंशन जरूर लगाओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में इमेज डिस्टेंस v। देखिए जब h1 है तो उस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है, इमेज डिस्टेंस d माइनस x है,
इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, लेंस की दूसरी तरफ जब भी बनता रियल है, वी की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, डी माइनस एक्स, यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, क्योंकि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है, माइनस एक्स, ये माइनस से माइनस खत्म कर लो। तो एच वन बराबर कितना आ जाएगा बेटा, डी माइनस एक्स इंटू एच, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आ जाओ यहां पर, लेंस यहां से यहां आ गया, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी माइनस एक्स और इमेज डिस्टेंस एक्स, उस समय हाइट एच टू है, फिर इसी फॉर्मूले में एच आई की वैल्यू माइनस एच टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस एच, इमेज डिस्टेंस एक्स और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस डी माइनस एक्स। तो बेटा एच टू की वैल्यू, माइनस से माइनस खत्म कर लो, एच टू की वैल्यू कितना आएगा, एक्स इंटू डी माइनस एक्स इंटू एच, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये डी माइनस एक्स है और यहाँ डी माइनस एक्स नीचे, यहाँ डी माइनस और एक्स ऊपर, नीचे यहाँ एक्स ऊपर है, मल्टीप्लाई कर दूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लो, देखो एच वन इंटू एच टू, दिमाग लगाओ बेटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो डी माइनस एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, एच इंटू एच एच स्क्वायर, एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच वन एच टू। का मतलब ये हुआ कि अगर कभी क्वेश्चन देगा कि स्क्रीन पर दो बार इमेज बनता है, अच्छा डी तो 4f से बड़ा होगा तभी तो ऐसा होगा, तो दो बार इमेज बनेगा h1 और h2, तो ऑब्जेक्ट की हाइट पूछ लेगा तो h बराबर होता है अंडर रूट h1, और कहीं एरिया दे दे तो बोले स्क्रीन पर दो बार एरिया बन रहा है इमेज, एरिया है a1 a2, ठीक है सर एरिया पूछेगा, a बराबर अंडर रूट a1 a2 करेंगे, एक बार एरिया भी दे दिया था तो ठीक है भाई, ए बराबर अंडर रूट ए वन ए टू कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिखो लिखो ध्यान मत दो, लिखो 30 सेकंड का वक्त दूंगा, बहुत जल्दी जल्दी लिखना बेटा, बहुत जल्दी जल्दी, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड खत्म हो गया ना, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड देखो पढ़ा दिया मैंने, सिंपल तो कहानी है, क्वेश्चन अब बनेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधी तो बात है, लिखो जल्दी। दें तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, टेंशन नहीं लेना, मिटा रहा हूं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। देखो बेटा अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो बेटा अगर कभी भी ऐसा हो, फर्स्ट पॉइंट, हम लोग तो सब कुछ थिन लेंसेज पढ़ते हैं, थिक लेंस की तो कोई कहानी पढ़नी नहीं है, पहले तो ये पॉइंट नोट कर लेना। मान लो बेटा दो थिन लेंसेज है या तीन थिन लेंसेज है, ये कांटेक्ट में रखे हैं, ठीक है बेटा ऐसे, और बोले भाई ये दो थिन लेंसेज हैं, इसका फोकल लेंथ है एफ वन, इसका फोकल लेंथ है एफ टू, बोलेगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, पहले लेंस पर गिरा, मैंने एज फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है बेटा, जरूरी नहीं कि हर बार कॉन्वेक्स ही लेंस कांटेक्ट में हो, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव भी हो सकता है, बस ये दो पतले पतले लेंस हैं, बहुत पतले हैं बेटा, कांटेक्ट में है, ठीक है ना, तीन भी हो सकते हैं लेकिन थिन है बस, ये लाइट इधर मुड़ेगा इस लेंस पर गिरेगा, ये लेंस से जो इमेज बनेगा बेटा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि लाइट जो ऐसे आएगी वो लगेगा कि ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है,
और मान लीजिए फाइनल इमेज यहां बन गया, तो हम लोग उससे कहेगा इन दो लेंस को हटा के एक लेंस लगाओ, सिंगल लेंस लगाओ। चलो भाई सिंगल लेंस लगाया, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा, ऑब्जेक्ट वहीं रखा और लाइट वैसे गिरा और इमेज वहीं बन गया, इमेज वहीं बनाया। तो हम बोलते हैं इन दोनों लेंस का ये इक्विवेलेंट लेंस है, ये दो लेंस मिलकर के जो फाइनल इमेज जहां बनाया, इन दोनों के जगह पे एक लेंस सिंगल लेंस, ऑब्जेक्ट वहीं पर है, इमेज भी वहीं बना दिया, तो इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट ये है। अगर मुझसे कहेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ व्हेन टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ऐसे करके आता है बेटा, टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, देखो टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तो बोलेगा चलो भाई बताओ क्या कहानी है। तो बोलेंगे सर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वेरी इजी, पहले इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ, वन अपॉन वी वन, मान लो इससे इमेज वी वन पे बन रहा है, ओके, इक्वल टू वन बाई एफ वन, पहले लेंस से जो इमेज बना वो वी वन पर बना, ये डिस्टेंस कितना माना मैंने बेटा वी वन, और पतला लेंस है जो इससे डिस्टेंस वही इससे डिस्टेंस है, डरना नहीं। अब सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड लेंस से फाइनल इमेज यहां बन रहा है और ऑब्जेक्ट इसके लिए कौन होगा, ये होगा वी वन होगा बराबर वन बाई एफ टू, और दोनों ऐड कर दो, ऐड कर दो भाई, चलो ये और ये कट गया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, और वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये आ जाएगा वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट। तो यहाँ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिखना बहुत ईजी है, वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट बराबर होता है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, ऐसे दो तीन लेंस जितने भी हो सबका ये लिखते हैं इक्विवेलेंट। अब आज के बाद अगर बोले टू थिन लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो बोला वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट बराबर वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर कहीं पर बेटा पावर पूछ ले, इक्विवेलेंट पावर बोलो क्या होगा, बोले सर पावर तो बहुत ईजी है, वन अपॉन एफ होता है पावर, तो इक्विवेलेंट पावर होगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, इक्विवेलेंट पावर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डॉट डॉट डॉट। अगर बेटा कहीं पर इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन पूछ ले, कभी कभी मैग्नीफिकेशन भी तो पूछता है भाई, इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन, तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा बेटा, ये प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, एम वन इंटू एम टू ऐसे करके चलता बेटा सीक्वेंस। यहाँ कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि फर्स्ट लेंस से मैग्नीफिकेशन है एम वन, सेकेंड लेंस से मैग्नीफिकेशन है एम टू, वॉट इज द मैग्नीफिकेशन ड्यू टू द इक्विवेलेंट लेंस, तो एम बराबर होगा एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री, बहुत सिंपल है, आप देखो ना एम वन की वैल्यू क्या लिखोगे, वी वन बाई यू, पढ़ा है ना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वी बाई यू, पहले लेंस से वी वन बाई यू और दूसरे लेंस से यू बाई वी टू, नहीं फाइनल इमेज है ना वी बाई वी वन, वी बाई वी वन, वी वन वी वन कट गया, आ गया ना एम बराबर, नहीं आया, देखो एम वन की वैल्यू कितना लिखोगे, एम वन इससे ये वी वन माना था ना और ये यू, वी वन बाई यू लिखोगे, और एम टू कितना लिखोगे बेटा जल्दी बताओ, एम टू इससे, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वी वन और फाइनल इमेज वी, तो वी बाई वी वन दोनों मल्टीप्लाई हो तो वी वन कट जाएगा, वी बाई यू आ गया, आ गया ना मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ बेटा मैग्नीफिकेशन में ना एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री चलता, पावर इक्विवेलेंट पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, आई बात समझ में, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लिख लीजिए बेटा। ओके बच्चों बाय।